क्या पुण्य, बस किसी का दिल ना दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। अपने स्वार्थ बस किसी का दिल ना दुखे, ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, जीवन में ना पैसा बड़ा होता ना पद बड़ा, और जो मुसीबत में खड़ा होता वह सबसे बड़ा होता है। जो मुसीबत में खड़ा हो जाए वह जिंदगी में सबसे बड़ा होता है। मेरे भक्तों, अगर कोई जीवन में बदल जाए, कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना तो प्रकृति का नियम है। बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ ना समझ आए तो सब परमात्मा पर छोड़ देना, परमात्मा से कुछ मत मांगना, क्योंकि वह जानता है कि तुम्हें क्या हमें देना है। वह जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे योग्य क्या है, वही तुमको देता है। बुरे समय में, बुरे समय में मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि ये सोच लो कि अभी समय में साथ कौन छोड़ जाएगा। ये मत सोचो साथ कौन देगा, अब ये सोचो कि अब कौन साथ छोड़ने वाला है। यदि परमात्मा खुश हो जाए, यदि परमात्मा खुश हो जाए वह सरताज बना देता है, यदि परमात्मा रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देता है। उसे रूठने मत देना। ये इंसान क्या करता है, पक्षियों को देखो, पक्षी पक्षी एक एक दाना के खातिर 100-100 बार झुकता है, एक एक दाना के खातिर 100-100 बार झुकता है, लेकिन ये मनुष्य क्या करता है, 100 बार खा लेता है लेकिन एक बार भी भगवान को धन्यवाद नहीं देता है। ये कमियां हैं, इनको दूर कीजिए। व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उनको परिचय करा देती हैं कि तुम कैसे हो। तुम्हारी ही आदतें परिचय कराती हैं तुम्हारा कि तुम हो कैसे। घमंड बता देता है व्यक्ति का कि पैसा कितना है। व्यक्ति के पास यदि घमंड है तो समझ लेना कि इसके पास पैसा कितना है। संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है। बोली बता देती है कि इंसान कैसा है। बहस बता देती है कि ज्ञान कैसा है। नजरें बता देती हैं कि सूरत कैसी है, और स्पर्श बता देता है कि तुम्हारी नियत कैसी है। सब तुम्ही से परिचय होता है, तो इसलिए हर किसी की कद्र करना सीखो। अगर किसी को स्पर्श करो तो नियत अच्छी रखो, किसी को देखो तो देखने का नजरिया अच्छा रखो, ताकि हमारा सम्मान हो हर जगह। सम्मान से बढ़कर और कोई पदवी नहीं होती मनुष्य के पास में। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। हाँ, कथा सुखदेव भगवान कहते हैं, महाराज परीक्षित, इधर भगवान ने बहुत लीलाएं की हैं ग्वाल वालों के साथ में। अब भोजराज कंस दिन पर दिन दुखी होता जाता है कि मेरा काल बढ़ता जा रहा है। एक दिन राजमंत्री ने कहा कि महाराज एक बात बताएं, तुम एक पत्र लिखो और अपने राज्य में धनुष यज्ञ रचो, उसी यज्ञ में बुलाओ बाबा नंद को, पत्र भेजो। लेकिन होगा ये कि पत्र तो बाबा नंद के पास जाएगा, लेकिन जब श्याम को पता चलेगा, कन्हैया को पता चलेगा, तो वह मानेगा नहीं, बड़ा हठीला है, वो जरूर साथ में आएगा। और जैसे ही साथ में आए, यहाँ तो तुम्हारी नगरी है, यहाँ तो तुम्हारी ही झूमती है, और तुम्हारे जब क्षेत्र में आए तब उसको मजा चखा देना। भोजराज कंस ने वही किया, पत्र लिख दिया, धनुष यज्ञ का चाचा क्रूर द्वारा आज पहुंचा है वृंदावन में। वो पत्र बाबा नंद ने पढ़ा, मैया यशोदा ने पढ़ा है। बाबा नंद बड़े खुश हुए, चाचा क्रूर के गले मिले, क्योंकि बड़े गहरे मित्र थे ये दोनों, बड़े दिनों के बाद मिले हैं। बाबा नंद मथुरा में जाया करते थे, मित्रों से मिलते थे, लेकिन अब की बार बहुत दिन हो गए, तो चाचा अक्रूर की बातें सुन के बाबा नंद बोले, मैं जरूर चलूंगा तुम्हारे साथ में,
चलने की जब तैयारी करने लगते हैं तो भगवान कन्हैया ने कहा कि पिताजी हे बाबा मैं भी चलूंगा तुम्हारे संग में, लेकिन बाबा नंद मना करते, श्याम इतने हठीले हैं, इतने छलिया हैं कि मानते नहीं हैं और तैयारी बना लेते हैं, सजने लगते हैं मथुरा जाने के लिए। इधर मैया यशोदा मना करती, श्याम तू मत जा। गोपियों को पता चला, ग्वालों को पता चला तो वो भी लगते हुए आए और मैया यशोदा बाबा नंद खड़े हैं वहीं जाकर के। राधा जो भगवान श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी थी, जो जान छिड़कती थी, एक पल भी श्याम से दूर नहीं रह पाती थी, वो आई दौड़ती हुई और कहने लगी कन्हैया मेरे प्रेम में क्या कमी रह गई थी, क्या कमी रह गई थी जो हमें छोड़ करके जा रहे हो श्याम, आज बता दो क्या मैंने तुम्हें दिल से नहीं चाहा है मेरे नाथ। और क्या बोली है रो करके वो मैया राधा, कहने लगी है कि कहां चले हो ओ मन मोहनी, मेरे दिल के टुकड़े करके, और बिरह वियोग सहा नहीं जाए बोली नहीं भरके। कहां चले हो ओ मन मोहन, मेरे दिल के टुकड़े करके, और विरह वियोग सहा नहीं जाए बोली नहीं भर के। और बोली है तन मन धन सब तुम ही वरने ओ छाउर किया था हमने, तन मन धन सब तुम्ही परने और छावन किया था हमने, मुरली मधुर बजा करके मन मोहन किया था तुमने। पर धेनु चलावत माखन खावत हमें रिझाया तुमने, प्रेम किया है कन्हैया या यही दर्द देने के लिए, अर धेनु चलावत माखन खावत हमें लिखाया तुमने, अरे तुमसे जोरे और से तोड़ी प्रेम बढ़ाया हमने। बंधन प्रेम का तोड़ा चल दिए ठुकरा के, विरह वियोग सहा नहीं जाए बोली नहीं भर के। यशोदा मैया ठाणी रो में ग्वाल सभी मर जाए, डाले डाले पर बस बच्ची भी मैं नीर बहाए। सखी सहेली के गिरधारी तन मन सब को मिलाए, अरे कैसे धीर धरे मनवारी मेरा मन घबराए। आज मैया राधा बड़ी व्याकुल हैं और रो रो करके कहती हैं श्याम हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो, क्या इसीलिए प्रीत की थी हमसे,
अगर मैं ऐसा जानती कि प्रीत करने से दुख होता है, प्रीत करने से दर्द मिलता है, तो श्याम मैं ये प्रीत नहीं करती। यदि मैं ये सो जानती प्रीत करे दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो कोए। कोई भी प्रीत मत करना, प्रेम करने से दुख मिलता है, दर्द मिलता है। आंखों में नीर बहा करके राधा कहती है श्याम, और श्याम कहते राधा रो मत, हम परसों वापस आ जाएंगे। ये वादा भी करते जाते हैं। और राधा क्या कहती है कि मोहन से बोली राधा, और नैनन में नीर भर के लौटे ना जो बनवारी, मर जाए श्रृंखला में वीरेंद्र यादव सातदिनपुर से 51 मुद्रा भगवान जी के चरणों में दे रहे हैं। अंकुल यादव पत्रकार सातदिनपुर से 21 मुद्रा भगवान जी के चरणों में। निर्भय यादव सातदिनपुर से 21 मुद्रा भगवान जी के चरणों में। और घनश्याम सातदिनपुर से 101 मुद्रा व्यवहार में दे रहे हैं। महावीर प्रसाद कन्नौजिया ये शाहपुर गंगा से 51 मुद्रा प्रभु के चरणों में। फतेह बहादुर शाहपुर गंगा 51 मुद्रा दान में दे रहे हैं। शिव मंगल यादव सातदिनपुर से 201 मुद्रा व्यवहार में दे रहे हैं, 11 मुद्रा भगवान जी के चरणों में। राघवेंद्र यादव सातदिनपुर से 101 मुद्रा व्यवहार में दे रहे हैं। बलवीर ऑपरेटर सातदिनपुर से 101 मुद्रा व्यवहार में दे रहे हैं। कृष्णा यादव 11 मुद्रा दान में दे रहे हैं। धन्यवाद। मन की कामना पूर्ण करें। आज राधा इस तरह व्याकुल हो रही है और कहती है श्याम, जब तुम अपने होकर के बदल गए तो गैरों से गिला करके क्या करें, उनसे शिकायत कैसी करूं श्याम। और बात भी सही है कि जब अपने ही अपने नहीं होते तो गैर कैसे हो जाएंगे अपने, है ना। और लिखा है बड़ा सुंदर दो शब्दों में कि गैरों से क्या गिला करें जब अपने बदल गए, We'll be right back.
और ये राम प्रताप भैया जी के फूफा जी 101 मुद्रा भेंट कर रहे हैं, धन्यवाद। बहू के आते ही बेटे बदल गए। 10 मुद्रा लड्डू गोपाल ये दान में दे रहे हैं और 51 मुद्रा संगीत कारकों को हमारे राम प्रताप भैया जी दे रहे। 51 मुद्रा हमारे लिए शप्रेम भेंट किए हैं। परमात्मा सदा सुखी रखें, सदा धर्म के नाम पर ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, परमात्मा सदैव आपका साथ दे, धन्यवाद। आज मैया राधा भगवान श्याम सुंदर को रो रो करके रोकती, लेकिन श्याम नहीं रुकते हैं और परसों का वादा करके भगवान कन्हैया अपना रथ जब आगे बढ़ा देते हैं। अब राधा पछाड़ खा के गिर जाती है तो उसी समय सखियां कहती हैं कि राधा ये तुझे जो बीमारी लगी है ये मेरी समझ में नहीं आती है। ये बीमारी नहीं, बेमारा है, बेमारा। बीमारी छोटी होती है और ये तो तू तो इतनी बावरी हो गई। राधा सुन कि जी ये प्रीत की रीत सुनो राधा, और ये बहुत बुरी बीमारी है। आए बड़ी आफत है, राधा काऊ की ना माने
और श्याम सुंदर चले गए, रथ आगे निकल गया। राधा को होश आया, भागती हुई गई और चिल्लाती है, कन्हैया आर चले गए चित चोर, हृदय झक झोर चूर कर डर। अब किस विद से जा ब्रज में आली हुई है मेरो बुझारो। मतलब की दुनिया है और मेरे श्याम भी मतलब के निकल गए हैं। राधा कहती है कि तुम तो कहे जाते हो कि हम तुम्हें परसों मिलने आएंगे, लेकिन यही बात अगर मैं कहती तुमसे कन्हैया, तुम राधा होते और मैं कृष्ण होती, और अथाह प्रेम जैसा मैं तुमसे करती हूँ, धर्म की